गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। हीट एंड टेम्परेचर के लिए आज अपने टेस्ट सेकंड, जिसमें कि अपने प्रश्न नंबर 16 से लेकर के और 35 तक के प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 11, जो कि 1 से 11 तक प्रश्न किए थे, उनमें से सबको प्रश्न 11 में डाउट आ रहा था कि सर ये जो प्रश्न है इसका आंसर 126 कैसे हो जाएगा, तो उस पर अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न देखिए ध्यान से कि एक इंजन के रेडिएटर में पानी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको, आप सभी ने इसको चेंज कर लिया था, सी बट्टे 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टे में कितना हो जाएगा 9। इस फॉर्मूला में जब अपने डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितना रख देंगे, 30 रख देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 30 बट्टे 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टे 9। इसको जब आपने सॉल्यूशन किया है, 5 एकम 5, 5 के 30, 6 नीम कितना हो जाएगा 54। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एफ माइनस 32 बराबर कितना हो जाएगा 54। अब f बराबर 54 माइनस का 32 जब इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। दोनों को जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 8 5 और 3 8 86 फारेनहाइट जो है, 86 फारेनहाइट हो जाएगा। लेकिन अब आगे का प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रश्न जो पूछा जाता है वो इस प्रकार पूछा जाता है और आप उसके बाद में आंसर ढूंढते रहते हैं कि सर आंसर ही नहीं मिला हमें। वहां पर बॉइलिंग स्टेज तक पहुंच जाता है, 6 घंटे चलने तक बॉइलिंग स्टेज तक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पानी का बॉइलिंग स्टेज फारेनहाइट में कितना होता है। पानी का जो बॉइलिंग स्टेज होता है वो फारेनहाइट में कितना होता है, अपनों ने किया था ना एफ माइनस 32 बट्टे कितना था, सी बट्टे 100, एफ माइनस 32 100 180। यहाँ पर इन दोनों का योग होता है, ये होते हैं, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 212 आ जाएगा। ये होता है बॉइलिंग स्टेज तक पहुंच जाता है। पूछा क्या गया है कि तापमान में हुई बढ़ोतरी को ज्ञात कीजिए, तो तापमान में हुई बढ़ोतरी कितनी हुई, अपने पास अभी तापमान कितना आ रहा है 86 और 212 में से जब इसको घटाएंगे, 2 में से ये 12 में से 6 गए 6 और यहाँ पर रह जाएगा 10 में से ये रह जाएगा कितना 8 के 2 और 1, 126 फारेनहाइट की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है किसी वस्तु को ऊष्मित करने पर तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो द्रव के यानी जो प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता हो उसका नाम बताएं, थर्मामीटर, पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। तो पायरोमीटर जो होता है उसमें तो आपको पता है, मैंने बताया था क्या होता है, एक वो लगा होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट। वोल्टमीटर होगा विभवांतर मापने के लिए होगा। तो जो द्रव भरा जाता है प्रसार, उसका जिसका प्रसार होता है वो किसमें होता है, थर्मोमीटर में, क्योंकि उसमें क्या भरा होता है, पारा, गैस वगैरह, एल्कोहल, और उसमें प्रसार होगा उन सभी का। प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है परिभाषित करने के लिए पद का नाम लिखो क्या होता है। 1 ग्राम जल को जब 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, 1 कैलोरी के नाम से जानते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 18 की बात करें, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक अल्फा ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है लंबाई में हुआ परिवर्तन बटे में वास्तविक लंबाई गुणा में ताप में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन को अपने किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा एल बटे वास्तविक लंबाई हो जाएगी लेंथ इनटू टेम्परेचर में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, डेल्टा टी। ये वाला ऑप्शन में देख लीजिए कहां मिलेगा अपने को, ये हो नहीं सकता, ए नहीं हो सकता, डेल्टा एल बटे एल डेल्टा टी बी हो जाएगा। 18वें का कौन सा हो जाएगा, बी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं, एक कार्य के तापन और शीतलन अंश को किस पद से परिभाषित करते हैं। कार्य के तापन और शीतलन अंश को यानी उसका ठंडक और उसकी गर्मी का जो मान है ये किससे परिभाषित होता है, ठंडक से, गर्मी से, ऊष्मा से या तापक्रम से, ये किससे परिभाषित होता है। प्रश्न संख्या 19 का कौन सा हो जाएगा सही आंसर, डी इसका सही आंसर होगा, तापक्रम। तापक्रम ऊष्मा की स्थिति बताता है कि वस्तु जो है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं, सीजीएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या होती है, सीजीएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पर है, वाट, जूल, किलो कैलोरी या कैलोरी। बहुत से लोग मेरे को ये बात कह रहे थे बच्चे,
कि कार्य ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक जो है, तो मैंने आपको एक साथ बताया था कार्य ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आज आप ये प्रश्न देख सकते हैं, सीजीएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या होती है। ऊष्मा की इकाई कैलोरी भी होती है, सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट भी होती है और ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट भी होती है। लेकिन सीजीएस प्रश्न में पूछा जाए तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा क्या, डी। कौन सा होगा, कैलोरी जो होती है वो ऊष्मा की सीजीएस यूनिट है। प्रश्न संख्या 21 में आपको क्या दिया गया है, तरल पदार्थों में ऊष्मा का संचालन कैसे होता है। तरल पदार्थों में देखिए, तरल पदार्थों में क्या होता है कि तरल जब होता है ना, कोई भी द्रव का कोई कण है वो ऊष्मा पा करके खुद अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है और उसकी जगह पर जो ठंडा कण होता है जिसके पास ऊष्मा कम होती है वो नीचे की तरफ यानी जिस तरफ ऊष्मा मिल रही होती है उस तरफ चला जाता है। संवहन तरल पदार्थों में कौन सा होता है, संवहन का गुण। तो प्रश्न संख्या 21 में कौन सा हो जाएगा, बी सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें हमें किस का अनुभव होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें हमें किसका अनुभव होता है, सर्दी का, गर्मी का, सर्दी गर्मी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन अगर बताने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देख लीजिए सर्दी का या गर्मी का। ज्यादातर लोगों को इस प्रश्न में जब मैं क्लास में कभी इसको पूछता हूँ तो ज्यादा आंसर कौन सा मिलता है, मुझे बी आंसर मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें हमें सर्दी और गर्मी दोनों का अनुभव होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें हमें किस प्रकार का अनुभव होता है, सर्दी तथा गर्मी दोनों का अनुभव होता है। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर होगा कौन सा, सी। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रति यूनिट लंबाई में वृद्धि डिग्री तापमान वृद्धि किस में कहलाती है। प्रति यूनिट लंबाई में वृद्धि, प्रति यूनिट लंबाई का मतलब हो गया इकाई लंबाई में परिवर्तन या बढ़ना। डिग्री तापमान वृद्धि किसमें कहलाती है, रेखीय प्रसार गुणांक, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ धैर्य गुणांक, अनुधैर्य गुणांक, इनमें से कोई नहीं। लंबाई में वृद्धि पूछा गया इसमें, और लंबाई में जो वृद्धि होती है वो आपको बताना है कि रेखीय के अनुसार होती है या फिर अनुप्रस्थ होती है या अनुधैर्य होती है। तो लंबाई में प्रति यूनिट वृद्धि अगर पूछा जाए तो आपका सही आंसर होगा रेखीय प्रसार गुणांक। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर होगा क्या, ए। लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पर यूनिट लेंथ इंक्रीज। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे कि पारा कैसा होता है। पारा कैसा होता है, पारा पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, उक्त दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24, पारा जो है वो कैसा है, पारदर्शी, अपारदर्शी या कोई नहीं। तो पारा जो होगा ना दोस्तों वो कैसा होता है, अपारदर्शी होता है पारा, ठीक है ना। 24वें का कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। प्रश्न संख्या 25, डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर है किसके। ये तो अपनों ने बहुत बार कर चुके हैं, इसको तो अब सॉल्व करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। सी बटे 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा 180। अब उसमें देखिए चारों ऑप्शन में एफ के अलावा कुछ है ना, है क्या, नहीं है, फॉरनहाइट है, तो आगे वाला स्केल बनाने की आवश्यकता नहीं है। 0 से 0, 2 के पाड़े से 5, 2 के पाड़े से 9, इसको काट देंगे किसके हो जाएगा, सी बटे 5। ये जो वैल्यू है एफ माइनस 32 बटे 9, एफ माइनस 32 बटे 9 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, एफ माइनस 32 बटे 9 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ए में दिया गया है एफ माइनस 10 बटे 9, एफ माइनस 5 बटे 9, ओके ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन में दिया हुआ है ना एफ माइनस 32 बटे 9, तो ये अपना सही आंसर होगा 25वें का। चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 में दिया गया है जल तुल्यांक किसे कहते हैं, जल तुल्यांक यानी वाटर इक्विवेलेंट। प्रश्न संख्या 26 ऑप्शन ए में दिया गया है एम इंटू एस मात्रा इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दूसरा दिया गया है एम प्लस एस मास प्लस स्पेसिफिक हीट मास माइनस स्पेसिफिक हीट एम डिवाइडेशन बाय स्पेसिफिक हीट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, एम इंटू एस सही आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 26 का ए जल तुल्यांक वाटर इक्विवेलेंट। प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है ठोस पदार्थ में किस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है।
ठोस पदार्थ में किस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है? चालन, संवहन, विकिरणन या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 27, सही आंसर होगा क्या? ए। प्रश्न संख्या 28, 28 में दिया गया है पारे का जमाव बिंदु कितना होता है? -36, -37, -38, -39। प्रश्न संख्या 28, मैंने आपको पारे, गैस और उनके लिए बताया था कि थर्मामीटर में जो प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 28 में, और उस टाइम ये भी बताया था मैंने आपको पारे का जमाव बिंदु और उबाल बिंदु। प्रश्न संख्या 28 का डी आंसर होगा, -39 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न संख्या 29 में दिया गया है बाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा बताई थी, गलन की गुप्त ऊष्मा, और बाप के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 530, 536 कैलोरी, 548 कैलोरी या 560 कैलोरी। प्रश्न संख्या 29, 10 सेकंड है आपके पास। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर होगा बी, 536 कैलोरी बाप की होती है, और बर्फ की कितनी बताई थी? 80 कैलोरी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 30 पर। प्रश्न संख्या 30 में पारे का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? पारे का क्वथनांक बिंदु, थोड़ी देर पहले मैंने जो प्रश्न पूछा है उसमें पूछा था पारे का फ्रीजिंग पॉइंट जमाव बिंदु, अभी पूछा जाता है जो पूछा जा रहा है क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है। प्रश्न संख्या 30, ए ऑप्शन में है 357, बी ऑप्शन में दिया गया 257, सी में दिया गया 157, डी में दिया गया 57। प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर होगा ए, क्या ऑप्शन होगा इसका? ए सही आंसर होगा, 357 डिग्री सेल्सियस जो है सही है पारे का क्वथनांक बिंदु। प्रश्न संख्या 31, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 31वें का प्रश्न संख्या 31, पानी की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4, 3, 2, 1। प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर होगा डी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1। और इसको अगर चेंज किया जाए तो कैलोरी को अपने उसमें चेंज भी कर सकते हैं जूल में, तो 4.2 किलो जूल। प्रश्न संख्या 32 में दिया गया है तापमापी में जंक्शन बनाने वाले दो तारों की युक्ति को क्या कहते हैं? तापमापी में यानी जो तापमान मापने का जो यंत्र है उसमें जंक्शन बनाने वाले दो तारों की युक्ति को गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर या थर्मोकपल कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 32 का डी, दो तार हैं, याद रखिएगा कपल से याद रह जाएगा, कपल में पता ही है आपको क्या क्या होगा, दो चीजें होगी कपल, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 32 का डी आंसर होगा। 32 के बाद 33, द्रव को गैस में बदलने वाला तापक्रम ताप बिंदु क्या कहलाता है? द्रव को गैस में, ठोस को द्रव में बदलना, द्रव को गैस में बदलना, गैस को फिर वापस पुनः किस में बदलना, गैस को अपने उसमें भाप को जैसे कि द्रव में बदलना, ये जो क्रियाएं होती है इन सभी को अलग अलग गलनांक, क्वथनांक, शयनता, तरलता। प्रश्न संख्या 33 क्या कहते हैं उसको? क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक, द्रव को गैस में बदलना, द्रव को गैस में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। जबकि कोई ठोस को किस में बदलना? ठोस को गैस में, द्रव में बदलना क्या कहता है? गलनांक। और जब कोई द्रव है उसे अगर आपने भाप में बदलना है, गैस में बदलना है, तो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, किसी गर्म स्रोत से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा किरणों एवं तरंगों को क्या कहते हैं? गर्म स्रोत है कोई, उससे अगर कोई स्रोत से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा जो है उसे किरणों एवं तरंगों को, जो किरणें और तरंगे निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जन, चालन, संवहन, विकिरणन। प्रश्न संख्या 34 क्या कहते हैं इसे? विकिरणन कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहेंगे इसको? विकिरणन। प्रश्न संख्या 35, ताप का स्थानांतरण चालन से भी होता है, संवहन से भी होता है और विकिरणन से भी होता है। कम घनत्व के द्रव को गर्म करने पर ऊपरी भाव से ताप का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से होता है? चालन, संवहन, विकिरणन या कोई नहीं। कम घनत्व का जो द्रव होगा उसके लिए पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 35, आज के लिए अपने 35 प्रश्नों को हल करेंगे। 35वें का होगा कौन सा? बी, संवहन। कम घनत्व के द्रव के अंदर ऊष्मा का जो
ताप का जो स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि से होता है। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।